हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 11 को आप स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पावर बटन, जिससे हम फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, उस बटन को आपको 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और ये ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है तो आप पावर ऑफ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको फ़ोन को रीबूट करना है तो रीबूट पर क्लिक करना है। जैसे कि हम पावर ऑफ पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आपको रीस्टार्ट या फिर रीबूट करना है तो रीबूट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है वो रीस्टार्ट या फिर रीबूट होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको जो पावर बटन होता है जिससे हम फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं, उस बटन को आपको 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है तो ये ऑप्शंस आ जाएंगी।